हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिटनेस साइंस। मेरा नाम है आफरीद शेख और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी। हम लोग एनाटॉमी इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हमें हमारे बॉडी में चेंजेस चाहिए तो हमें हमें हमारी बॉडी को समझना पड़ेगा। जब तक हम हमारे बॉडी को समझेंगे नहीं तब तक हम लोग बॉडी में चेंजेस नहीं ला पाएंगे। फैट लॉस हो या मसल गेन हो, इन बोथ द केसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी फर्स्ट। तो एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। और उसमें क्या क्या आता है? हमारा नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, यूरिनरी एंड रेनल सिस्टम, एंडोक्राइन और हार्मोनल सिस्टम, इंटरग्रोमेट्री सिस्टम, इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम को छोड़ के आज हम लोग सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये दो पॉइंट्स क्यों? I will explain it in the next video because इनका explanation थोड़ा vast है और मैं चाहता हूँ इसको deeply आपको explain कर पाऊँ। Going forward to the nervous system, तो हमारा जो nervous system है इसको कहते हैं central nervous system और ये बना है brain, हमारा spinal cord और nerve से। जो brain है वो डिवाइडेड है हमारा सेरिब्रम, जो अपर पोर्शन हमारा ब्रेन का है, ब्रेन स्ट्रीम जो डिवाइडेड है थ्री पोर्शंस में, मिड ब्रेन, प्रोन्स एंड मेड्यूला। जो बिहाइंड पोर्शन है उसको सेरिबेलम कहते हैं और है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से पूरा हमारे नर्व्स जाते हैं, अटैचिंग फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स ट्रांसफर होते हैं। जब कभी भी ब्रेन कोई सिग्नल भेजता है तो मिड ब्रेन के थ्रू पास होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नर्व से जो हमारे पूरे बॉडी में है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मेरा बाइसेप फ्लेक्स करना है तो मेरा ब्रेन जब तक सिग्नल नहीं देगा मैं ये मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही मेरा ब्रेन सिग्नल देता है कि मुझे फ्लेक्स करना है, आई फ्लेक्स माई हैंड। डूइंग दिस मूवमेंट जब मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है, इट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रेन स्ट्रीम थ्रू द स्पाइन, जो नर्व्स है वो नर्व्स के थ्रू मेरे हैंड्स में आ रहा है और वो फ्लेक्स हो रहा है। गोइंग फॉरवर्ड टू हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बना है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल से। हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंपिंग और बॉडी में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। बट हार्ट ये कैसे करता है? ये डिवाइडेड है फोर डिफरेंट पार्ट्स में, अपर, लोअर एंड राइट एंड लेफ्ट। अपर जो पोर्शन है उनको आर्टरम्स कहते हैं और लोअर जो पोर्शन है उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट आर्टरम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरम लेफ्ट वेंट्रिकल। जब कभी भी हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो लंग्स में आने के बाद विद द हेल्प ऑफ ब्लड राइट आर्टरम में आता है। जब वो राइट आर्टरम में आता है तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत पुअर होता है, यानी प्योरीफाइड नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता। तो राइट आर्टरम उसको ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के थ्रू वहाँ जाता है हमारे लंग्स में जहाँ पे वो पूरा प्योरीफाई होता है। प्यूरीफाई होने के बाद इट कम्स बैक टू लेफ्ट आर्टरम। लेफ्ट आर्टरम में आने के बाद जो प्यूरीफाइड ऑक्सीजन है विद द हेल्प ऑफ ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। गोइंग फॉरवर्ड टू आर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं हमारे नोज, हमारे विंड पाइप, हमारे लंग्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जब हम इनहेल करते हैं तो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में आता है। लंग्स में आने के बाद जो ऑक्सीजन है उसको प्यूरीफाई करने के लिए एल्वियोलीज जो कि एयर सैक्स की तरह होते हैं और हमारे लंग्स में इट इज वो 300 मिलियन के ऊपर होते हैं, ये कॉम्प्रेशन और एयर सक करने के काम में आते हैं जो हमारे ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं हमारे ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट में। गोइंग फॉरवर्ड टू
अ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है फ्रॉम द माउथ टू द एनस, जो सारे के सारे ऑर्गन्स है, प्लस हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास। हमारे डाइजेशन सिस्टम वर्क होता है इंसर्शन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। हमारे माउथ से जब हम इंसर्शन करते हैं यानी खाते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, वो इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, जहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद बॉडी में एब्सॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियास एंड लिवर। लिवर हमारा बॉडी का पहला एनर्जी सोर्स है, देन आता है हमारे मसल्स। पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करते हैं, जो हमारे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है। जो भी एक्सेसिव होता है, एक्स्ट्रा वेस्ट, वो डाइजेस्ट ना होते हुए हमारे इंटेस्टाइन्स में आ जाता है और एनल के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसको कहते हैं एक्सक्रीशन। गोइंग फॉरवर्ड टू यूनरी सिस्टम। यूनरी सिस्टम में आता है हमारे किडनीज, हमारा ब्लैडर, हमारा यूट्रस और यूट्रस। किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन करके एक प्रोसेस है, उसके रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी प्रोसेस जिसमें बॉडी, ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किडनी। किडनी हमारा ब्लड प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करता है। प्लस किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रेनल। एड्रेनल हमारे बॉडी का वो ग्लैंड है जो जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे रिकवरी के लिए रिलीज होता है। वर्कआउट करने के बाद व्हेन वी वेट, टेक अ ब्रेक आफ्टर एवरी सेट, तो एड्रेनल रिलीज होता है हमारे बॉडी को रिकवरी के लिए। और जब हमारा बॉडी हार्ट ब्लड प्रोवाइड कर रहा होता है पूरे बॉडी को, अरोटा करके जो वेन है वो हेल्प करता है उसे पूरे बॉडी में प्रोवाइड करने के, पूरे बॉडी में फ्लो करने के लिए। यूरिन यूटर करके जो आपको ये दिख रहा है, वहाँ से यूरिन हमारा ट्रांसफर होता है और ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ यूटरा वो बाहर आ जाता है। गोइंग फॉरवर्ड टू आर एंडोक्राइन एंड हार्मोनल सिस्टम। एंडोक्राइन में कुछ हमारे जो बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पैनक्रियास, एड्रेनल ग्लैंड और टेस्टिकल्स, ये हमारे बॉडी के सर्टन ऐसे हार्मोन, प्लस अदर देन बाकी सब भी बॉडी में सर्टन हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो अभी भी जिस पे स्टडी कर रहा है कि वो कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, एड्रेनल एड्रेनल रिलीज करता है, टेस्टिकल्स टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड टू इंटेग्रमेटरी सिस्टम। इंटेग्रमेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल। ये हमारे बॉडी के फिजिकल बैरियर्स है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, इंजरीज एंड सनलाइट। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, प्लस हमारे स्किन के सेंसेशंस में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ को टच करने के बाद हमें ये पता लगता है वो हॉट है या कोल्ड है। गोइंग फॉरवर्ड टू अ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बना है दो चीज़ों से, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट में जब कभी भी हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज आते हैं तो हमारा बॉडी उनसे खुद से लड़ता है विद द हेल्प ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज। व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी तब बनाता है जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता है, तो ब्रेन हमारे सीएनएस बोन मैरो को सिग्नल भेजता है जिससे वो व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है जो बैक्टीरिया से फाइट करता है। प्लस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है, ताकि जब कभी भी वो बैक्टीरिया फिर से हमारे बॉडी में आए तो उनसे फाइट कर सके। इन एक्वायर्ड केस जब हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है और हमारा बॉडी फाइट नहीं कर पाता, तो हमें एक्सटर्नली वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। फॉर
फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाके मेडिसिन एंड इंजेक्शन लेते हैं जो कि टाइप ऑफ वैक्सीनेशन है। इन वन मोर केस, जब कभी भी कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता है और बॉडी उस बैक्टीरिया से अबनॉर्मल, इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया से अबनॉर्मल बिहेव करता है, तब हमें एलर्जीज या फिर स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इन दैट ऑल्सो हमें एक्वायर्ड या फिर वैक्सीनेशन का हेल्प लगता है। गोइंग फॉरवर्ड टू अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल्स में। फीमेल्स, मेल्स में होते हैं टेस्टिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो हमें बिकॉज ऑफ दैट हमारा क्वांटम ऑफ मसल ज्यादा होता है एंड फैट लेवल कम होता है। बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी में मुस्टैचेस ग्रो होना स्टार्ट कर दे हो जाता है एंड वॉइस डीपर होने लगता है। इन फीमेल्स ओवरीज होते हैं जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से क्वांटम ऑफ मसल कम होता है एंड फैट ज्यादा होता है। फीमेल्स का वेस्ट लाइन स्मॉल होता है और पेल्विक लार्ज साइज होता है, जो हेल्प करता है उन्हें प्रेगनेंसी में। तो आज के लिए गाइस इतना ही। स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन पार्ट 2।